लखनऊ से खबर आ रही है, लखनऊ से खबर है, जहां पर लखनऊ में विधान परिषद में सपा को एक और झटका, विधान परिषद में सपा को एक और झटका लगा, नेता प्रतिपक्ष का पद समाप्त किया गया, नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% एमएलसी होना चाहिए, सपा के पास एक एमएलसी कम है, सपा को लगा एक और बड़ा झटका, विधान परिषद में सपा को एक और बड़ा झटका लगा है। लखनऊ से ये अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर नेता प्रतिपक्ष का पद समाप्त किया गया, नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% एमएलसी होना चाहिए, सपा के पास एक एमएलसी कम है, सपा को लगा एक और बड़ा झटका, विधान परिषद में सपा को एक और बड़ा झटका लगा, नेता प्रतिपक्ष के पास एमएलसी कम है, नेता प्रतिपक्ष का पद अब समाप्त किया गया, नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% एमएलसी होना चाहिए। और सपा के पास एक एमएलसी कम है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शबी हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा को एक बड़ा झटका लगा है, सपा के पास एक और एमएलसी कम है नेता प्रतिपक्ष के पास। जी जी रूपांशी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए जितनी भी खबरें आ रही हैं या जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत पार्टी के लिए, उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। विधान परिषद जहां पर कभी समाजवादी पार्टी की फूटी गोला करती थी और जिस वक्त परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी खड़े होते थे तो वहां पर समाजवादी पार्टी का एक क्षेत्र राज्य था, लेकिन आज दिन ऐसे आए हैं कि वहां पर नेता प्रतिपक्ष बचाए के पद को बचाए रखने लायक भी सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। अब सदन में जो अक्सरियत है, जो मेजोरिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो 73 सदस्य उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि समाजवादी के पास 9 या 11 सदस्य हैं। तो इस एतबार से जो उनका नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो गया है। अब बिना किसी नेता के, बिना किसी उसके जो बाकी सदस्य हैं वो अपनी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। जी शबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के लिए एक बड़ा झटका, विधान परिषद में सपा को एक और लगा है बड़ा झटका, नेता प्रतिपक्ष के पास एक एमएलसी कम है।